हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ग्रैंड आई10 है, 2014 का मॉडल है, पेट्रोल प्लस सीएनजी कार है। आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि गैस सिस्टम में कैसे डाला जाता है, एयर कंडीशन सिस्टम में गैस कैसे डाला जाता है, रिकवरी कैसे किया जाता है, वैक्यूम कैसे किया जाता है, फिर कूलिंग होती है। तो ये सब चीज ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि कैसे गैस चार्जिंग को आप भी खुद कर सकते हैं, या फिर आपके पास मशीन अगर नहीं है तो मार्केट में जो मीटर लाइन मिलता है, मीटर लाइन प्लस वाल, उसके जरिए आप कैसे गैस सिस्टम में भर सकते हैं, लीकेज टेस्ट कर सकते हैं, वो सब चीज मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं आपको वीडियो बाहर लेके जाता हूं सिस्टम में कि कैसे क्या लगाना पड़ता है, फिर मैं आगे आपको दिखाता हूं। देख पा रहे हैं आप, ATS L की मशीन है अपनी, और इसमें मैं लो और हाई, यानी ये वाला हाई है और ये वाला लो है, लगा दिया हूँ। तो सबसे पहले आपको गैस चेक करना है कि इसमें पहले से गैस है क्या नहीं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं गैस जीरो है, इसमें गैस नहीं है। तो गैस अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहले आपको नाइट्रोजन प्रेशर मार के लीक टेस्ट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का प्रेशर मार के लीक टेस्ट करना पड़ेगा, अगर प्रेशर बराबर रहेगा तो उसके बाद आपको वैक्यूम लगाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं वैक्यूम लगा दे रहा हूँ। अगर आपके पास वैक्यूम मशीन नहीं है, सिर्फ मीटर और लाइन है, तो आप ये वाला वाल्व खोल के कंप्रेसर को डायरेक्ट चालू करके सक्शन वाल्व बंद करके आप अगर कंप्रेसर गाड़ी चालू करके कंप्रेसर ऑन रखेंगे तो आपका वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा और मीटर में भी बता देगा। तो सबसे पहले मैं वैक्यूम कर लेता हूँ। दस मिनट के लिए वैक्यूम लगा रहा हूँ। तो वैक्यूम हमको इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि मॉइस्चर ना हो और कूलिंग ना छोड़े, और दूसरा गैस को एक्सेप्ट करने के लिए फटाक करके, यानी वैक्यूम सिस्टम में जब बाहर का क्लाइमेट जो मतलब रहता है, बाहर का एयर सिस्टम में चला जाता है, तो उसको निकालना पड़ता है, निकाल के वैक्यूम करना पड़ता है ताकि मॉइस्चर वगैरह ना आए और गैस एक्सेप्ट जल्दी कर ले, इसकी वजह से वैक्यूम करना पड़ता है। तो जैसे ही आपका वैक्यूम अगर कंप्लीट हो जाता है तो वैक्यूम कंप्लीट होने देते हैं जब तक, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो वैक्यूम कंप्लीट हो चुका है, और मैं इसमें गैस में लेके जाता हूँ, गैस सिलिंग में लेके जाता हूँ, 400 ग्राम गैस डालता हूँ। 400 ग्राम गैस डालने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ेगा आपको कंप्रेसर को लुब्रिकेशन के लिए। जैसा कि देख पा रहे हैं ऑयल डाल दिया लगभग 50 ml, गैस वगैरह नहीं रहेगा तो गैस मैं यहाँ फिल कर दे रहा हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं लाइन में से गैस चली गई और मीटर में भी बता रहा है। तो चलो फिर मैं आपको गाड़ी चालू करता हूँ अंदर और कंप्रेसर की पंपिंग को दिखाता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं गाड़ी अपनी चालू है और मैं प्रेशर स्विच निकाल के रखा हूँ और अंदर से AC चालू रखा हूँ, और मीटर लाइन में देख लीजिए आप, जैसा कि देख पा रहे हैं कंप्रेसर ऑन हो गया और सक्शन प्रेशर आप देख पा रहे हैं नीचे आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, लगभग 20-25 पे आना चाहिए तभी कूलिंग प्रॉपर होगा, और भी नीचे आ रहा है, और हाई प्रेशर देख पा रहे हैं कंप्रेसर में 250 के नीचे, 200 के नीचे ही रहता है तो भी कूलिंग आ जाता है, क्योंकि ये कंप्रेसर वाल वाली कंप्रेसर है इसकी वजह से। और सक्शन प्रेशर आप देख पा रहे हैं 20 पे आ चुका है, यानी सिस्टम प्रॉपर चल रहा है। और देख पा रहे हैं आप गाड़ी वगैरह चालू है, अंदर देख लेता हूँ कूलिंग कैसी हो रही है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ और AC वगैरह चालू है, और कूलिंग टेम्परेचर आप देख लीजिए 7.1 पे आ चुका है। यानी गैस चार्जिंग का प्रोसेस जो मैं आपको बताया, तो आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप मार्केट से मीटर लाइन जिसे बोलते हैं, गेज बोलते हैं, वो खरीद करके वाल रहता है उसको लगा करके आप गैस चार्जिंग आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपके पास वैक्यूम करने का भी सिस्टम नहीं है तो आप कंप्रेसर को डायरेक्ट करके गाड़ी चालू करके कंप्रेसर को डायरेक्ट करके कंटिन्यू चालू रखो, और हाई वाला एडेप्टर जो है खुला रखो और लो वाले को बंद रखो। ऐसा अगर करेंगे कंप्रेसर उस टाइम अगर डायरेक्ट करके चालू करेंगे तो आपका वैक्यूम कंप्लीट हो जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं इस टाइप की वीडियो जो बना रहा हूँ, बना करके आपके सामने लेके आ रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता हो या फिर कुछ समझ में आता हो तो प्लीज कमेंट लाइक करके मुझे बताएं,
और मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, ताकि मैं इसके बाद और भी अच्छी तरीके से और एक नया वीडियो बनाऊं ताकि आपके सामने रखने के लिए और ताकि आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जब तक के लिए बाय बाय।